नमस्कार, बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। सांगली जिले में मथुरा के चार साधुओं की पिटाई का मामला सामने आया है। बुलेरो कार में सवार साधुओं ने स्थानीय लोगों से रास्ता पूछ लिया था और लोगों ने उन्हें बच्चा चोर समझ लिया, तो पुणे के खड़की में पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि वो नाबालिग लड़कियों का पीछा करता था और उन्हें अश्लील वीडियो दिखाता था। वहीं मनसे नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि मनसे मुंबई समेत किसी भी नगर निगम में किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी। तो उधर वसई में चूल्हे की सफाई करने के वक्त सिलेंडर की नौब खुली रह गई और रात भर गैस रिसाव होने से पिता पुत्र बेहोशी में सोते ही रह गए। इसी बीच शिवसेना नेता किशोरी पेडणेकर ने अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की कटु शब्दों में आलोचना की है। प्रदेश की इन पांच बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सांगली जिले में मथुरा के चार साधुओं की पिटाई का मामला सामने आया है। बुलेरो कार में सवार साधुओं ने स्थानीय लोगों से रास्ता पूछ लिया था और लोगों ने उन्हें चोर समझा। यह अफवाह तेजी से इलाके में फैल गई और मौके पर जुटी भारी भीड़ ने उन्हें बुरी तरह से पीट डाला। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि साधुओं की ओर से इस मामले में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस की जांच करके एक्शन लिया जा सकता है। यूपी के रहने वाले चार साधु सांगली जिले के लवांगा गाँव में पहुँचे थे और उन्हें पंढरपुर जाना था। वह सोमवार को एक मंदिर में रात्रि विश्राम के लिए रुक गए थे। मंगलवार को वह जब आगे की यात्रा पर निकले तो एक लड़के से रास्ता पूछ लिया था। इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों को संदेह हुआ कि ये लोग बच्चा चोर गैंग के हैं। इस पर भीड़ जुट गई और साधुओं को कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच की तो पता चला कि वे बच्चा चोर नहीं है बल्कि मथुरा के पंचदश नाम जूना अखाड़ा के साधु थे। स्थानीय पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है, अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुणे के खड़की में पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि वह नाबालिग लड़कियों का पीछा करता था और उन्हें अश्लील वीडियो दिखाता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी 10 साल की बच्चियों का पीछा करता था और जबरदस्ती पॉर्न वीडियो दिखाता था। आरोपी वागदेवादी का रहने वाला है। जब बच्चियां पार्क में खेल रही होती थी तभी वह उनके पास पहुंच जाता था। पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आईपीसी की धारा 354A, 354D और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। सीनियर इंस्पेक्टर दत्तात्रेय चवन ने कहा, आरोपी लड़कियों के घर के पार्क तक पीछा करता था और फिर उनके पास में ही बैठ जाता था। 31 अगस्त को उसने लड़कियों को अश्लील वीडियो अपने मोबाइल फोन पर दिखाया। लड़कियों ने यह बात अपने पिता को बताई। इसके बाद एक बार फिर से वह अपनी मोटरसाइकिल से पार्क पहुंचा था। आरोपी की जानकारी मिलने के बाद लड़कियों के पिता और अन्य लोग उसे पकड़ने के लिए गार्डन की तरफ भागे। हालांकि वह मौके से भाग गया और अपनी मोटरसाइकिल भी वहीं छोड़ गया। लोगों ने उसे पूरे इलाके में ढूंढा लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल को सील कर दिया गया है। पुलिस की टीम आरोपी के घर पर गई थी लेकिन उस दौरान वह वहां नहीं था। तलाश जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उनके गुट के नेता और बीजेपी नेताओं के साथ हाल के दिनों में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की कई बैठकें हुई। इसलिए माना जा रहा था कि नगर निगम में मनसे शिंदे समूह और बीजेपी गठबंधन करेंगे। इस बीच राज ठाकरे ने डिब्बे जोड़ने का काम जारी है। बयान देकर इन अटकलों को बल दे दिया था। मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी शिंदे गुट की शिवसेना और मनसे इन तीनों पार्टियों के गठबंधन की खबर के बीच मनसे नेता संदीप देशपांडे ने एक बड़ा ऐलान किया है। देशपांडे ने स्पष्ट किया है कि मनसे मुंबई समेत किसी भी नगर निगम में किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी। संदीप देशपांडे ने ऐलान किया है कि हम अपने दम पर नगर निगम चुनाव लड़ेंगे और हर जगह लड़ेंगे। मनसे नेता की इस घोषणा से गठबंधन की अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे के आदेश के मुताबिक हमने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले भी हमने अपने दम पर चुनाव लड़ा था। इस बार भी मनसे मुंबई में 227 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। फिलहाल हमने किसी के साथ नहीं जाने का फैसला किया है। हमारा विदर्भ दौरा शुरू हो रहा है। इस दौरान मनसे के विस्तार पर जोर होगा। महाराष्ट्र के वसई की सनसिटी में 45 साल के अच्छेलाल राजभर अपने 10 साल के बेटे अभय राजभर के साथ रहते हैं। खाना बनाने के बाद किचन में चूहे की सफाई करने के वक्त सिलेंडर की नौब खुल रहेगी और रात भर गैस रिसाव होने से वह बेहोशी में सोते ही रह गए। अस्पताल में भर्ती कराने के दो दिन बाद उनको होश आया। जानकारी के मुताबिक वसई के सनसिटी परिसर में रहने वाले 45 साल के अच्छेलाल राजभर ने गत 9 सितंबर की रात को हमेशा की तरह खाना बनाने के बाद किचन की साफ सफाई की। इस दौरान
भूलवश गैस चूल्हे की सफाई के दौरान सिलेंडर की नौ खुली रह गई। इस वजह से रात भर सिलेंडर में धीरे धीरे गैस लीकेज होती रही और नींद में सोए दोनों पिता पुत्र मूर्छित हो गए। सुबह जब पिता पुत्रों ने घर का दरवाजा नहीं खोला तो अच्छेलाल राजभर के भाई ने पड़ोसियों और माणिकपुर पुलिस से मदद मांगी। पुलिस ने जब घर का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर देखा तो पिता पुत्र मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे और घर के अंदर से गैस रिसाव की वजह से दुर्गंध आ रही थी। पुलिस ने तुरंत पिता पुत्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके दो दिन बाद उनको होश आया। शिवसेना नेता किशोरी पेडणेकर ने अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की कटु शब्दों में आलोचना की है। किशोरी पेडणेकर ने कहा कि हम उनके बारे में एक गृहिणी के रूप में बात नहीं करेंगे, जिन्होंने 13 साल की उम्र में एक गंदी पिक्चर में अभिनय किया था। सांसद नवनीत राणा पर कथित लव जिहाद विवाद को लेकर हाल ही में महाराष्ट्र के अमरावती में मनमानी और धमकी देने का केस दर्ज हुआ है। इस बारे में सवाल पूछे जाने पर किशोरी पेडणेकर ने प्रतिक्रिया दे रही थी। गौरतलब है कि महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान नवनीत राणा ने मुंबई में मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया था। उसके बाद राणा दंपति को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। तब शिवसैनिकों ने दंपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और दोनों को उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के करीब भी नहीं आने देने की धमकी दी थी। इसके बाद से ही शिवसेना और राणा के बीच टकराव चल रहा है। इस मामले में नवनीत और रवि राणा जमानत पर है। इसी क्रम में पेडणेकर ने कहा है कि सीएम एकनाथ शिंदे गुट और सैनिकों के बीच दादर में हुई मारपीट में न्याय की गुहार लगाने के लिए वह मुंबई पुलिस के पास जाएगी। देश के कई राज्यों में गुटबाजी और बगावत का सामना कर रही कांग्रेस को अब गोवा में भी बड़ा झटका लग सकता है। तो समाजवादी पार्टी महंगाई, बेरोजगारों और अन्य मुद्दों को लेकर विधान भवन प्रदर्शन करने जा रही थी। इसके पूर्व ही आज सुबह पार्टी विधायकों के घरों के बाहर पुलिस ने पहरा लगा दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को दिल का दौरा पड़ा है। उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो उधर जम्मू संभाग के पुंछ जिले में आज बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 11 लोग मारे गए हैं, जबकि 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात एटीएस ने भारतीय समुद्री क्षेत्र में घुस आई एक पाकिस्तानी बोट को पकड़ा है। इसमें 200 करोड़ रुपए मूल्य के 40 किलो हीरोइन पकड़े जाने की सूचना है। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देश के कई राज्यों में गुटबाजी और बगावत का सामना कर रही कांग्रेस को अब गोवा में भी बड़ा झटका लग सकता है। पूर्व सीएम दिगंबर कामत और माइकल लोबो की लीडरशिप आने वाले 8 विधायकों का गुट भाजपा में शामिल हो सकता है। केदार नाइक, संकल्प अमोनकर, राजेश फलदेसाई, रुफोल्ड फर्नांडिस भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले विधायकों में बताए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक इन विधायकों ने सीएम प्रमोद सावंत से भी मुलाकात कर ली है। गोवा भाजपा के अध्यक्ष सदानंद शेठ तनवाड़े ने भी कहा है कि कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल होने वाले। हालांकि उन्होंने कांग्रेस से आने वाले विधायकों की संख्या बताने से इनकार कर दिया है। इस खबर के बाद से ही तटीय राज्य की राजनीति में चर्चाएं जोरों पर है। कहा जा रहा है कि इन विधायकों ने अपने फैसले के बारे में असेंबली स्पीकर को बता दिया है, जो फिलहाल दिल्ली में है और आज शाम तक गोवा आ सकते हैं। फिलहाल विधानसभा परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सरकार की आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी टाला गया है। इससे पहले जुलाई में भी कांग्रेस के कुछ विधायकों ने दल बदल की कोशिश की थी, लेकिन उनके ग्रुप में ही मतभेद होने के चलते प्लान फेल हो गया था। समाजवादी पार्टी महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर विधान भवन प्रदर्शन करने जा रही थी। इसके पूर्व ही आज सुबह पार्टी विधायकों के घरों के बाहर पुलिस ने पहरा लगा दिया। यही नहीं, सपा के प्रदेश ऑफिस से लेकर अखिलेश यादव के आवास तक चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। इस कदम के खिलाफ पार्टी की तरफ से ट्विटर, फेसबुक पर गुस्सा जताया जा रहा है। पार्टी की ओर से पोस्ट किया गया कि महंगाई, बेरोजगारी, ध्वस्त कानून व्यवस्था, भर्तियों में धांधली, स्वास्थ्य सेवाएं में भ्रष्टाचार, गरीब के घरों पर चल रहे बुलडोजर, किसानों की दुर्दशा के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने आज विधानसभा जा रहे हैं सपा विधायक, लेकिन पुलिस उन्हें घरों से निकलने नहीं दे रही है। घोर निंदनीय। दरअसल समाजवादी पार्टी इस बार विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही 5 दिन का धरना प्रदर्शन करने जा रही है। 14 सितंबर से 18 सितंबर तक विधान भवन में चरण सिंह की प्रतिमा के सक्षम पार्टी के विधानसभा व विधान परिषद सदस्य धरना देंगे। इस आंदोलन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी एक दिन धरने पर बैठेंगे। सपा खराब कानून व्यवस्था, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, विपक्षी दलों खासकर समाजवादी पार्टी के नेताओं और अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी और झूठे मुकदमे दर्ज कराने जैसे मुद्दों के विरोध में धरना प्रदर्शन करने जा रही है।
समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को दिल का दौरा पड़ा है। आजम की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। आजम खान के दिल की एंजियोप्लास्टी सर्जरी कर हार्ट में एक स्टैंड डाला गया है। फिलहाल उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही है, डॉक्टरों की टीम उन पर नजर रखी है। कोरोना काल के दौरान ही संक्रमित हो चुके आजम खान अपने कारावास के वक्त से ही खराब सेहत से परेशान है। कोरोना के समय अस्पताल में उनकी हालत काफी गंभीर थी और उन्हें कई हफ्ते तक मेदांता अस्पताल में ही रहना पड़ा था। खराब सेहत के आधार पर आजम ने कई बार जेल से जमानत भी मांगी थी, लेकिन यूपी की अदालतों से उन्हें राहत नहीं मिली। कुछ दिनों पहले आजम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जेल से रिहा हुए थे। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों आजम खान ने सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल लाया गया। यहाँ पर डॉक्टरों की एक टीम ने जाँच के बाद उन्हें निगरानी के लिए ICU में भर्ती किया था। फिलहाल गंगाराम अस्पताल में भर्ती आजम खान की हालत स्थिर बताई जा रही है। वही डॉक्टर्स लगातार उनके हेल्थ पैरामीटर्स पर नजर रखे हुए हैं। जम्मू संभाग के पुंछ जिले में आज बड़ा सड़क हादसा हो गया है। जिले की मंडी तहसील में भारत पाकिस्तान नियंत्रक रेखा के पास सावजिया में मिनी बस हादसे का शिकार हो गई है। इस हादसे में 11 लोग मारे गए हैं, जबकि 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही सेना और पुलिस के जवानों ने स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान शुरू कर दिया है। घायलों की नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है। जानकारी के अनुसार गली मैदान से पूछ के लिए जा रही एक मिनी बस सीमावर्ती क्षेत्र सावजिया के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है और 25 लोग घायल है। मिनी बस में 36 लोग सवार थे। घायलों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि मौके पर सेना, पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा संयुक्त बचाव अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूछ सड़क हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पूछ के सावजिया में सड़क दुर्घटना में हुई मौत से दुखी हूँ, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना है, घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। पुलिस और सिविल अधिकारियों को घायलों को हर संभव इलाज मुहैया कराने का निर्देश दिया है। मृतकों के परिजन को मदद के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात ATS ने भारतीय समुद्री क्षेत्र में घुस आई एक पाकिस्तानी बोट को पकड़ा है। इसमें 200 करोड़ रुपए मूल्य है, 40 किलो हीरोइन पकड़े जाने की सूचना है। बोट के पाकिस्तानी चालक दल और बोट की आगे की जांच व कार्रवाई के लिए जाखू लाया जा रहा है। ICG के निगरानी दल ने बोट को जाखू तट के 33 समुद्री मील दूर इस बोट को दबोचा। उन्हें ICG की त्वरित हमलावर बोटों ने पकड़ा। चालक दल के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ATS के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गुजरात तट से दूर अरब सागर में एक पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नाव से 200 करोड़ रुपए मूल्य की 40 किलोग्राम हीरोइन जब्त की गई है। ले जा रही मछली पकड़ने वाली इस बोट को कच्छ जिले के जाखू बंदरगाह के पास तटरक्षक बल और ATS की एक संयुक्त टीम के बीच समुद्र में रोका। इससे जब्त हीरोइन को गुजरात तट पर उतारने के बाद सड़क मार्ग से पंजाब ले जाया जाना था। उन्होंने कहा कि एक विशेष सूचना के आधार पर हमने पाकिस्तान के रवाना हुई नाव को रोका और 6 पाकिस्तानी नागरिकों को 40 किलो हीरोइन के साथ पकड़ा। बता दें कि इसके पहले भी गुजरात के समुद्री तट से मादक पदार्थों की बड़ी खेप पकड़ी जा चुकी है। कुछ विदेशी नागरिकों को भारी मात्रा में नशीली पदार्थों के साथ पकड़ा गया था। पाकिस्तान ने जश्न ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर की गिरफ्तारी के लिए अफगानिस्तान को चिट्ठी लिखी है, तो अमेरिका की लॉस एंजलिस काउंटी के लिए एक निवासी की मंकीपॉक्स के चलते मौत हो गई है। माना जा रहा है कि अमेरिका में मंकीपॉक्स से मौत का ये पहला मामला है। वहीं कुदरत के कहर के बीच भी पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का सितम जारी है। हिंदुओं को पाकिस्तान सरकार द्वारा बनाए गए बाढ़ राहत कैंपों में स्थान नहीं मिल रहा है, तो उधर सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का जाकर क्वीन एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि देने वाले शख्स को सऊदी अरब की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच रूस यूक्रेन के कारण अपनी एकता के लिए जाना जाने वाला यूरोप पर अब दो पाड़ हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर की गिरफ्तारी के लिए अफगानिस्तान को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि अफगानिस्तान की इस्लामिक अमीरात मसूद अजहर का पता लगाने, रिपोर्ट करने और गिरफ्तारी में पाकिस्तान की मदद करे। पाकिस्तान ने दावा किया है कि मसूद अजहर अफगानिस्तान के नंगरहार का कुनार प्रांत में छिपा हो सकता है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान का यह कदम अपने देश को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने से जुड़ा हुआ है। मसूद अजहर को 31 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की
उड़ान IEC 814 के अपहरण के बाद एक भारतीय जेल से रिहा कर दिया गया था। मसूद अजगर संयुक्त राष्ट्र का नामित आतंकी और भारत का मोस्ट वांटेड है। पाकिस्तान के विदेश कार्यकाल के एक अधिकारी ने बताया कि हमने अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय को एक पेज का पत्र लिखा है। उधर तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान से ऐसी कोई चिट्ठी मिलने से साफ इनकार किया है। पाकिस्तान रे जनरल परवेज मुशरफ के शासन के दौरान 14 जनवरी 2002 को आतंकवाद के आरोपों को लेकर जैश ए मोहम्मद को प्रतिबंधित कर दिया था। जैश ए मोहम्मद पर 17 साल के प्रतिबंध के बाद पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने खुफिया जानकारी के आधार पर 10 मई 2019 को अल रहमत ट्रस्ट बहावलपुर और अल फुरकान ट्रस्ट कराची नामक दो और संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। इनके जरिए ही जैश ए मोहम्मद को फंडिंग प्राप्त होती थी। अमेरिका की लॉस एंजेलिस काउंटी के एक निवासी की मंकी पॉक्स के चलते मौत हो गई है। माना जा रहा है कि अमेरिका में मंकी पॉक्स से मौत का यह पहला मामला है। लॉस एंजेलिस काउंटी के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने मंकी पॉक्स को व्यक्ति के मौत का कारण बताया है और एक प्रवक्ता ने कहा कि पोस्टमार्टम में इसकी पुष्टि हो गई है। रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत ही कमजोर थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके अलावा उस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। दुनिया भर में अब तक 100 से ज्यादा देशों मंकी पॉक्स का वायरस फैल चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अब तक 35,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें समलैंगिक पुरुषों की संख्या सबसे अधिक है। मंकी पॉक्स के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में आ रहे हैं और केस लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि इस वायरस का डेथ रेट काफी कम है और अधिकतर संक्रमित 3 से 4 सप्ताह में रिकवर हो रहे हैं। लेकिन अब मंकी पॉक्स वायरस ने एक नया खतरा पैदा कर दिया है। कोरोना की तरह मंकी पॉक्स भी हार्ट को नुकसान पहुंचाता है। इसे हार्ट की एक खतरनाक बीमारी हो रही है। पिछले कुछ महीनों से ये भी देखा जा रहा है कि कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक आ रहे हैं। इसके पीछे कोविड को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। जिस तरह से इस वायरस के संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उससे ऐसी शंका है कि आने वाले दिनों में मंकी पॉक्स भी लोगों को हार्ट की कई गंभीर बीमारियां दे सकता है। पाकिस्तान इस समय भीषण बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ के कारण पाकिस्तान में अभी तक करीब 1,400 लोगों की मौत हो चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 3.5 करोड़ लोग बेघर हो चुके हैं। सिंध प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित है। खतरा इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पाकिस्तान का मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले हफ्ता में फिर से बारिश हो सकती है। इस विषम परिस्थिति में भी पाकिस्तान का चरित्र नहीं बदला है। कुदरत के कहर के बीच भी पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का सितम जारी है। हिंदुओं को पाकिस्तान सरकार द्वारा बनाए गए बाढ़ राहत कैंपों में स्थान नहीं मिल रहा है। राहत सामग्री भी पाकिस्तानी हिंदुओं को नहीं मिल रही है। ऐसे में पाकिस्तानी हिंदुओं के सामने बेमौत मरने जैसी स्थिति हो गई है। हद की बात यह है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के अत्याचार की आवाज उठाने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जर्नलिस्ट नसरल्लाह गडानी ने कुछ दिनों पहले बाढ़ राहत शिविरों का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत कैंपों में हिंदुओं के साथ हो रहे भेदभाव को उजागर किया था। उनकी रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि शिविरों में केवल मुसलमानों को ही जगह दी जा रही है। इसके अलावा राहत सामग्री भी अल्पसंख्यकों को ही मिल रही है। इस रिपोर्टिंग के लिए जर्नलिस्ट नसरल्लाह गडानी को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का जाकर क्वीन एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि देने वाले शख्स को सऊदी अरब की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति यमन का है और उसे सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार किया गया। शख्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वह इस्लाम के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल मक्का की ग्रैंड मस्जिद के अंदर से क्वीन एलिजाबेथ के सम्मान में एक बैनर लिए खड़ा नजर आ रहा था। बता दें कि इस जगह पर गैर मुसलमानों का आना निषेध है। यमनी नागरिक ने यहां पहुंचकर एक बैनर लहराया जिस पर लिखा था, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की आत्मा के लिए अल्लाह उन्हें स्वर्ग में शांति प्रदान करे और उन्हें धर्मी लोगों के बीच स्वीकार करे। इस वीडियो के वायरल होते ही दुनिया भर के मुसलमानों में आक्रोश फैल गया और वह नियमों और निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में शख्स की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। देर रात ग्रैंड मस्जिद के सुरक्षा बलों ने उसे गिरफ्तार कर आरोपों का सामना करने के लिए उसे लोक अभियोजक के पास भेज दिया। सऊदी अरब ने इस्लामिक संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने की आशंका को देखते हुए पवित्र प्रांगण में बैनर ले जाने का राजनीतिक नारे लगाने पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। बता दें कि इस जगह पर मृत मुसलमानों का और से उमराह करना स्वीकार्य है, लेकिन ये रानी एलिजाबेथ की तरह गैर मुसलमानों पर लागू नहीं होता है।
रूस द्वारा यूक्रेन पर युद्ध थोपे जाने के 200 दिन पूरे हो चुके। इस युद्ध दोनों ही देशों को खासा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसके इतर यूरोप को भी इस युद्ध का उतना ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। अपनी एकता के लिए जाने जाना वाला यूरोप पर अब इस युद्ध के कारण दो फाड़ हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के जाने के बाद खुद को यूरोप के शीर्ष नेता के रूप में पेश करने वाले फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने इस महीने की शुरुआत में कहा कि उन्हें यूरोप की एकता की सबसे अधिक चिंता है। यूरोपीय संघ के भीतर देखने लगी दरारें, मैक्रोन ने कहा कि रूस द्वारा छेड़े गए युद्ध का प्राथमिक उद्देश्य यूरोप की एकता को ही तोड़ना है। साल की शुरुआत में रूस की आक्रामकता के सामने उल्लेखनीय एकता प्रदर्शित करने के बाद यूरोपीय संघ के भीतर दरारें दिखाई देने लगी है। युद्ध के इस बाद बाल्टिक और पूर्वी यूरोपीय देशों की भूमिका बड़ी हुई है। प्रति व्यक्ति आधार पर एस्टोनिया यूक्रेन को सहायता देने में सबसे बड़ा मददगार है। वही पोलैंड ने भी अपने हथियार घर यूक्रेन के लिए खोल रखे है। इसे लेकर इन देशों के लिए सीमाएं बंद करने की रणनीति पर अन्य यूरोपीय देश विचार कर रहे हैं। स्थिति से साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध ने यूरोप को दोराहे पर खड़ा कर दिया है। इसमें अमेरिकी ताकत भी कमजोर पड़ रही है। तो बीकेबी न्यूज के आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।